हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल चाइनीज़ स्टाइल में, जिस तरह चाइना में लोग खाते हैं मिक्स वेजिटेबल, उसी स्टाइल में हम बनाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा उसे चेंज करके बनाऊंगी और आप ये बनाइएगा और खाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आए फिर इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इतनी मज़ेदार किस तरह बनी। ये हैं हमारे चाइनीज़ वेजिटेबल के इंग्रेडिएंट्स। ये मेरे पास है 1 कप बंद गोभी, 1 कप गाजर चॉप, 1 कप मटर, 1 कप चिकन, 1 कप शिमला मिर्च, मलाई है ये घर की, 1 कप भर के हरा धनिया, आलू हैं 1 कप, मूंगरियाँ 1 कप, उसके अलावा मेरे पास ये चिली सॉस और सोया सॉस हैं, टमाटर है 1 अदद, हरी मिर्ची हैं 3 अदद और प्याज है मेरे पास 2 अदद। सबसे पहले प्याज को कर लेंगे हम लाइट गोल्डन। प्याज हमारी लाइट गोल्डन बस थोड़ी देर तक होने वाली है। प्याज लाइट से गोल्डन हो गया, अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल दी, अब मैं इसमें डाल दूंगी खुश्क मसाले। मैं खुश्क मसाले नमक डालेंगे 1 चम्मच, जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम 1/2 चम्मच, सूखी लाल मिर्चें डालेंगे 1/2 चम्मच, सूखे धनिए का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, चिकन पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, वाइट मिर्चें डालेंगे 1/2 चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। अब इसे कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। इसमें हमने अदरक लहसुन नहीं डाला और ना ही डालना है। इसमें डाल देंगे पानी, बिल्कुल मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाले ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, और इसे ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। देख लेते हैं मसाले की बनाई होगी और घी ऊपर आ गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सबसे पहले मटर, इसे कर लेंगे मिक्स। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं मोगरे। चाइनीज़ मिक्स सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसके साथ इसकी मैं कर लूँगी भुनाई, इसे मैं ढक दूँगी। इसे हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, देख लेते हैं। मटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए और मोगरे भी। अब इसमें हम बाकी की वेजिटेबल्स डाल देते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी आलू, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी गाजर। अब इसे मैं कर लूँगी मिक्स अच्छे तरीके से। दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें, और अब इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। इसे भी कर लेते हैं हम मिक्स। दो चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूंगी मलाई के, ज़्यादा हमने नहीं डालनी, सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे। मैंने ये 3 डाल दिए इसमें मलाई के चम्मच, और थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, इसमें मैंने ज़रा सा पानी ऐड किया। अब इसे कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स, और इसे अब मैं लगा दूँगी दम सब्ज़ी को। इसे मैं लगा देती हूँ दम। अब दम की आंच में इसको गला लूँगी।
पानी हो गया थोड़ा सा खुश्क, देख लेते हैं सब्जी इतनी दम में लगाई थी, सॉफ्ट हो गई और चिकन भी गल गया हमारा। और इसमें मज़ीद हम दम लगाएंगे, थोड़ा सा पानी है, शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरा धनिया। अब इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस और चिली सॉस बिल्कुल लास्ट पे, इन्हें मैं कर लूँगी मिक्स अच्छे तरीके से। ये मैंने मिक्स कर दिया, अब इसे मैं लगा दूँगी दम। 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है ज़बरदस्त बन के। अब इसमें मैं डालूँ एक, इसके ऊपर मैं लेमन स्प्रिंकल कर दूँगी, सोया सॉस डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच और चिली सॉस भी डाल दूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच। इसे कर लूँगी मैं मिक्स। अब इस पर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट ढक के पकाऊँगी और आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मिक्स सब्ज़ी चाइनीज़ स्टाइल में तैयार है, चाइनीज़ मिक्स वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी है। आपको जूम करके दिखाती हूँ कितनी टेस्टी बनी है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, लाजवाब बनती है। आप इसे बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।